सो हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि IBPS RRB क्लर्क प्रीलिम्स का एग्ज़ाम चल रहा है। पहला शिफ्ट ख़त्म हो चुका है और जिस हिसाब से दोस्तों मेरे को लग रहा है, जो शिफ्ट का रिव्यू आ रहा है ना, जो कलेक्शन क्वेश्चंस का जो है, लोगों का कहना ये है दोस्तों, उस हिसाब से मैं आप सभी को बता देता हूँ कि दिल खुश हो गया। और दिल इसलिए खुश हो रहा है क्योंकि जो नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स हैं वो भले वो आपके सेक्शनल टाइमिंग क्यों ना हो, लेकिन लोग जो है मैक्सिमाइज करके आ ही रहे हैं। एक सलाह मैं दूंगा आपको लास्ट में, लेकिन अभी आपको ये करना है दोस्तों कि अगर आपने भी शिफ्ट दिया रखा है तो प्लीज़ कमेंट के सेक्शन में बिल्कुल बताइए। लेकिन जितना मेरे को मिला हुआ है रिव्यूज़, उस हिसाब से मैं आप सबको बता दूं, ड्यूएबल पेपर से भी काफ़ी ऊपर अच्छा इजी पेपर आ रहा है, आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। रीजनिंग में मेरे को जिसने बताया, ठीक है, हो सकता है कि उसके लिए काफ़ी ईजी रहा हो, रीजनिंग में उसने 40 out of 40 किया है, मैथ्स में उसने 38 किया है, तो 78 उसका अटेम्प्ट है। और टेबुलर DI आ रहा है, डेटा इंटरप्रिटेशन काफ़ी ईजी आ रहा है, वन लाइनर के जो क्वेश्चन आते हैं, जो क्वांट की बात कर रहा हूँ, वो काफ़ी ईजी है, टिप ऑफ द टंग में हो रहा है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन एफिशिएंसी दिया हुआ है, लोग डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर बना रहे हैं दोस्तों, तो पेन पेपर यूज़ करने की दरकार भी नहीं पड़ रही है। लेकिन हाँ, इतना ईजी में भी लोग क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि एक्यूरेसी के चक्कर में जाते नहीं है और उनको जो ओवर कॉन्फिडेंस मिल जाता है ना, तो उसमें ना एक आध क्वेश्चन छूट जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको सभी को बता दूं कि दिल खुश हो जा रहा है लोगों का, और आपका दिल खुश हुआ है कि नहीं ये बिल्कुल कमेंट के सेक्शन में बिल्कुल बताइए। लेकिन ये है कि आप ऐसा नहीं कि आप सेक्शन में बैठे हुए हो और आप चीज़ों को ना बड़े हल्के से ले रहे हो, आपको हल्के में लेना नहीं है दोस्तों, एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान देना है। 78 अगर कोई कर सकता है तो आप भी 80 बना सकते हो, ये आपको ध्यान देना है। बाकी जो भी है, नेक्स्ट वाले वीडियो पे मैं आप सभी को अपडेट कर दूंगा। नमस्कार।